ओके, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टास्क ऑफ दिस वीक। इस वीक में आपको 12th के सारे टॉपिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर न्यूक्लियर फिजिक्स सेमीकंडक्टर तक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला रिवाइज करने, एक दिन में नहीं होने वाले। अगर आप सोचो कि लास्ट के एक दो दिन में आप कंप्लीट कर लोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। अब मैं आप में से अधिकतर लोग, कई सारे लोग मतलब ऑफलाइन देने भी आओगे टेस्ट में, तो मैं भी वहां पे प्रेजेंट होऊंगा। तो आपको देखना है कि आप अच्छे से टेस्ट दो, है ना, एटलीस्ट आप पढ़ के जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ के ही नहीं जा रहे हैं, है ना। मैं भी तुमसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो तुम मुझे बता तो पाओ कम से कम कि सर ये टॉपिक्स वीक है, इसमें से क्वेश्चंस नहीं हो पाए। हम डिस्कशन भी करेंगे तो फिर उस टॉपिक को पढ़ेंगे, या उसको ऑब्वियसली हम उस दिन तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आगे आने वाली क्लासेस में मैं ले लूंगा। अरे बात समझ में आ रही है मेरी या नहीं आ रही है? जैसे मुस्कान टेस्ट देने आई है ना, या मेजर टेस्ट दिया। टेस्ट तो तुम सब देने वाले हो, ऑफलाइन दो या नहीं दो डजंट मैटर, टेस्ट तो देने वाले हो ना, मेजर टेस्ट तो तुमने दिया। जैसे तो मुस्कान ने जैसे टेस्ट दिया, अब मुस्कान को मान लो कैपेसिटेंस नहीं आता, लेट्स से उसने टेस्ट दिया, उसने पढ़ा हुआ था, अब उसको कौन सी चीज नहीं आई समझ में, नाउ शी कैन डिस्कस इट विद मी, राइट। एंड दिस सेशन आई एम गोइंग टू हैव विद ऑल ऑफ यू। आप ऑफलाइन आओ या नहीं आओ, ऑफलाइन आओगे तो ऑब्वियसली यू कैन इंटरेक्ट विद मी फिजिकली। अगर आप नहीं आते हो तो भी मैं एक सेशन रखूंगा इसका, या क्लास में करूंगा डिस्कस। तो तुम लोग मुझसे बता सकते हो ना कि सर ये टॉपिक में पढ़ के गए थे फिर भी नहीं आ रहा है हमसे, जैसे केसीएल केवीएल नहीं आ रहा है। तो फिर जब रिविजन क्लासेस होंगी हम उन टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे ले लेंगे, उनको समझेंगे फिर से और उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या आपको एजेंडा समझ में आ रहा है, ये प्रोसेस समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये पूरा तभी हो पाएगा जब तुम लोग थोड़ा बहुत रिवाइज करके जाओगे मेजर टेस्ट के लिए। तो ये पूरा वीक यूटिलाइज करना, लास्ट पे मत छोड़ना। अभी से टाइम टेबल बना लो कि दो तीन चैप्टर कैसे रिवाइज करोगे तुम पर डे के हिसाब से। 11th और 12th दोनों रिवाइज करनी है। 11th के आ रहे हैं केवल 5 से 6 टॉपिक और 12th आ रही पूरी। ठीक है, चलो भाई इसी नोट पे क्लास को स्टार्ट करते हैं आज वाली। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? सो आई एम प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन, लेट मी नो इफ इट इज विजिबल टू यू गाइज और नॉट। सर क्या लिखा हुआ है बच्चों? सेमीकंडक्टर कूल, तो सेमीकंडक्टर स्टार्ट करते हैं आज। ऑब्वियसली वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम न्यूक्लियर फिजिक्स आल्सो, ठीक है, लेकिन आज स्टार्ट कर देंगे। ओके कूल, हाँ जी बोलिए, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? नहीं, ओके तो थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं व्हाट इज इट अबाउट। सेमीकंडक्टर्स का क्या सिनेरियो है, कितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है ना, ऑल ऑफ दैट। सो जैसे कि आप देख सकते हो आज हम पढ़ने वाले सेमीकंडक्टर का थोड़ा बेसिक, है ना, एंड एनर्जी बैंड जो कि रिलेटेड है इस टॉपिक से, एंड विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ दिस टॉपिक। ये दोनों चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। नाउ एज यू कैन सी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। मतलब कि यू मान लो कि दो टॉपिक को मिला के जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, वो इस टॉपिक से अकेले आ जाते हैं, विच इज वेरी गुड, बिकॉज ये टॉपिक थ्योरेटिकल है, तो आप इसको समझ पाओगे, है ना। अगर समझ लेते हो तो यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस आल्सो। इसमें लॉजिक गेट्स पे क्वेश्चन आते हैं, पीएन जंक्शन पे क्वेश्चन आते हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं। दोनों चीजें अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन निकाल दोगे। क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं बनते, है ना, इजी क्वेश्चंस होते हैं, और काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे कि 2020 में तुमने देखा 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 5 क्वेश्चन फ्रॉम जस्ट वन टॉपिक, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा रहा है इसकी, है ना। अगर आप देखो पिछले 5 साल में 8 से 12 क्वेश्चंस आए हुए टोटल, 12 क्वेश्चंस से भी ज्यादा आए हुए केवल एक टॉपिक से। इट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। आई होप कि आप लोग इसको लास्ट टॉपिक है ये सोच के जाने नहीं दोगे, मतलब इसको समझोगे अच्छे से, राइट। करें, स्टार्ट करेंगे बच्चों? यस यस सर, स्टार्ट करें, शैल वी स्टार्ट? ओके, तो बिफोर वी मूव ऑन टू आगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो किसी को याद है, कुछ याद आ रहा है?
क्या क्या पढ़ा था लास्ट वाली क्लास में? न्यूक्लियर फिजिक्स, ऑब्वियसली हमने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ी थी, पर क्या क्या पढ़ा था कुछ याद आ रहा है? अरे लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं ना हम हर बार, तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो याद होगा ना। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। हाँ, फ्यूजन, फिजन एंड फ्यूजन पढ़ा था। यस यस सर। इसके अलावा हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पढ़ा था। एक सेकंड दो मुझे। यस सर। ओके हाँ, क्यू वैल्यू पढ़ी थी राइट। सबसे पहले हमने पढ़ा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना, कैसे एक न्यूक्लियस से उसके सब्सिट्यूएंट पार्टिकल्स को निकालने में कितनी एनर्जी चाहिए, राइट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट पार्टिकल और न्यूक्लियन, है ना, फ्रॉम न्यूक्लियस। अरे याद आ रहा है ना? यस सर। यस। और इस चीज के बेसिस पे हमने क्या बताया था कि न्यूक्लियस क्या है, स्टेबल है या नहीं है, राइट, न्यूक्लियस आपका स्टेबल है या नहीं है, स्टेबिलिटी बताता था बेसिकली, ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया बन गया था ये, है ना। और इसके बेसिस पे याद करो हमने ग्राफ भी बनाया था क्या, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मास नंबर के साथ में, ऐसा कुछ ग्राफ बनना था क्या बच्चों? यस सर। सबसे ज्यादा किसका निकल के आया था? आयरन का, है ना, एफ का निकल के आया था ना 56। यस है ना, फिर उसके बाद ग्रेजुअली कम हो रहा था ये, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि भाई लाइटर न्यूक्लियाई जो है वो भी अनस्टेबल है ना, और जो हैवियर न्यूक्लियाईज हैं, हैवियर न्यूक्लियाईज है ना 56 के बाद वाले, वो भी अनस्टेबल है, और ये दोनों क्या बनना चाहते हैं भाई, किसकी तरफ जाना चाहते हैं, ये मीडियम न्यूक्लियाई की तरफ, है ना। अगर हम लाइटर न्यूक्लियाई को मीडियम न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें ऐड करने पड़ेंगे न्यूक्लियाई, है ना, और yes, इस प्रोसेस को हम फ्यूजन बोल रहे थे क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन। यस। और अगर हम हैवियर न्यूक्लियाई से टूट को तोड़ के डिसइंटीग्रेट करके मीडियम न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको हमें न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू समझना था। यस सर। ये दोनों चीजें समझ में आ गई थी ना, लास्ट क्लास में पढ़ा था। यस सर। फ्यूजन और फिजन भी समझ में आ गया था बेसिक, कि भाई अगर जोड़ रहे हैं न्यूक्लियस ऐड हो रहे हैं टू बिकम अ मीडियम न्यूक्लियस देन इट इज कॉल्ड फ्यूजन, एंड इफ अ हैवियर न्यूक्लियस इज डिसइंटीग्रेटिंग और ब्रेकिंग इटसेल्फ टू फॉर्म अ मीडियम न्यूक्लियस जस्ट टू अक्वायर द स्टेबिलिटी, द प्राइमरी पर्पज ऑफ बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस इज टू गेन स्टेबिलिटी। क्यों हो रहा है ये, क्यों हो रहा है फ्यूजन या फ्यूजन हो क्यों रहा है, एक स्ट्रॉन्गर एक स्टेबल न्यूक्लियाई बनाने के लिए, राइट, स्टेबिलिटी हो रही ना दोनों में एक्वायर। अरे बात समझ में आई, लाइटर भी मीडियम में जा रहा है फ्यूजन करके और हैवियर भी मीडियम में जा रहा है फ्यूजन, है ना, यानी कि दोनों स्टेबल होना चाहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा करना चाहते हैं अपनी ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिनका ज्यादा होता है वो न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं रिलेटिवली, है ना, जिनकी उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, न्यूक्लियर फोर्सेस ज्यादा हो गए ना क्योंकि निकालने नहीं दे रहे तुम्हें पार्टिकल को बाहर, समझ में आती ना ये बात? यस सर। यस बेटा मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ तो रहा है ना, लास्ट क्लास में पढ़ा था ये हमने, अगर किसी की मिस हो गई है तो थोड़ा सा रिवीजन ले लो, है ना, रिकैप ले लो, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, है ना, ठीक है। एंड द नोट्स आई विल शेयर ऑफ बोथ दीज क्लासेस टुगेदर, ठीक है, पढ़ लेना एक साथ। इसके अलावा क्यू वैल्यू पढ़ा था जो सेम बाइंडिंग वैल्यू की तरह होती है, बाइंडिंग एनर्जी की तरह, है ना, क्वालिटी बताती है बेसिकली आपको कि अगर एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है तो क्यू वैल्यू क्या आ रही थी, पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रही थी क्या? यस यस। और अगर एनर्जी रिलीज नहीं हुई है, एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, मतलब बेसिकली लेफ्ट साइड में आ रही है, ठीक है, तो क्यू वैल्यू क्या आ रही थी भाई, नेगेटिव, ठीक है। ये पढ़ा था हमने, फिजन एंड फ्यूजन तो हो ही गया आपका, फिजन एंड फ्यूजन तो हो ही गया आपका, है ना, इसमें हमने टाइप्स ही पढ़ लिए थे कि न्यूट्रॉन से इंड्यूस कर रहे हैं या फिर न्यूट्रॉन्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, चेन रिएक्शंस कैसे बन रही हैं, है ना, चेन रिएक्शन जो बन रही है वो कब बनेगी और कब नहीं बनेगी, क्रिटिकल मास वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, याद है ना सब चीजें?
रिएक्शन कैसे कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड रहती है, अगर अनकंट्रोल रहेगी तो न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर बॉम्ब भी बन सकती है, कंट्रोल्ड है तो उसको रिएक्टर में यूज किया जा सकता है, ये सब मैंने आपको रीड आउट करने के लिए भी बोला था, तो आप आज कर लेना जब मैं शेयर करूंगा, है ना, और जो भी रिक्वायर्ड है बेसिकली क्वेश्चंस के लिए वो आपको मिल जाएगा उसमें। चलो भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, यस मल्टीप्लीकेशन फैक्टर भी इसमें इंक्लूडेड था, कैसे न्यूट्रॉन्स जो आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड में है उनके बीच में एक रेशियो है जो कि आपको कंट्रोल करना होता है, अगर आप उसको वन रखोगे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर को और रेशियो को आप वन रखोगे तो आपका जो रिएक्टर है, जो आपकी रिएक्शन है वो कंट्रोल रहेगी, अदरवाइज वो क्या एक्सप्लोजन में भी कन्वर्ट हो सकती है ना, एक्सप्लोसिव हो सकता है आपका रिएक्शन, ठीक है, तो वो आपका वो फैक्टर बताता है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। तो ये सब चीजें आप पढ़ लेना, आई विल शेयर इट विद यू, फिलहाल के लिए जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना हमें आता है, तो लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों, करें सॉल्व करें। यस सर, यस सर। सो कुछ क्वेश्चन लिए मैंने प्रीवियस ईयर से, उनको सॉल्व करते हैं, ट्राई करो, नहीं होते तो हम डिस्कस तो करेंगे। You can take 2 to 3 minutes for everyone, every question. बेटा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है क्या? यस सर। अगर किसी को चाहिए कि क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं तो प्लीज रेज योर हैंड, यू कैन आस्क ना, तुम शर्माते क्यों यार, अगर किसी को नहीं आ रहा समझ पूछो ना, तुम लोगों ने क्या पढ़ी हुई क्या पहले सब चीजें एक बार, अरे लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है क्या सब, तुमने 11th क्लास में पढ़ लिया था क्या सब चीजें? नो सर, नो सर। किस बात की आती तुम, किस बात से शर्माते हो तुम, अगर पढ़ी भी हुई तब भी पूछ सकते हो, पहली बात तो रिपीट भी करते हैं ना लोग, उसमें भी पूछते हैं ये, वरना क्लास लेने का मतलब क्या है, पर आप तो पहली बार पढ़ रहे हो बेटा, उसमें भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि पूछे नहीं पूछे, पूछेंगे तो सर को ऐसा तो नहीं लगेगा कि हम नालायक हैं, हमें पढ़ाई नहीं करनी है, तुम ये सब मत सोचो, जस्ट आस्क अवे डायरेक्टली इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, ठीक है, करते हैं एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन को, इधर देखो क्वेश्चन बोल रहा है एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर तुम्हें दिया हुआ है 240, ठीक है, वो ब्रेक कर रहा है टू फ्रेगमेंट्स में, ईच ऑफ मास नंबर 120, यानी कि x अगर ब्रेक कर रहा है वाई और जेड में तो 120 120 में कर रहा है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, जैसे कि x है तुम्हारा 240, वो ब्रेक कर रहा है वाई प्लस जेड में, दोनों क्या है 120 120 मास नंबर, ठीक है, ये तुम्हें बोल रहा है सबसे पहले, उसके बाद तुम्हें क्या बोल रहा है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अनफ्रेगमेंटेड न्यूक्लियस 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी x का अनफ्रेगमेंटेड यानी फ्रेगमेंट अभी नहीं बना है, तो ऑब्वियसली x की बात हो रही होगी, अनफ्रेगमेंटेड, फ्रेगमेंटेड का मतलब कि अभी फ्रेगमेंट्स नहीं बने हैं, तो किसके नहीं बने हैं फ्रेगमेंट, x के, है ना, y और z तो ऑलरेडी फ्रेगमेंट्स ही तो है, फ्रेगमेंटेड न्यूक्लियस है y और z, तो अनफ्रेगमेंटेड की बात हो रही है, मतलब x की बात हो रही है, तो x की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी दी हुई है बच्चा, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, व्हाइल दैट ऑफ फ्रेगमेंट्स इज 8.5, यानी y और z की कितनी दे रखी है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, 8.5, तुमको क्या बोल रहा है कि टोटल गेन कितना हुआ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी पर सॉरी बाइंडिंग एनर्जी में कितना गेन हुआ है इस प्रोसेस में, दैट इज व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, तो ऑब्वियसली बाइंडिंग एनर्जी में गेन क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स, यस सर, करो करो सॉल्व करो। वर्षा जी, हाँ जी वर्षा बोलो, कुछ पूछना है आपको,
216 आ रहा है क्या? नाइन पॉइंट फोर टू वन सिक्स, दो दो तो आंसर आ चुके हैं हमारे पास. एक फ्रेगमेंट का कितना मास है? मास नंबर है बेसिकली, है ना, जो मास है एक फ्रेगमेंट का, उससे ही तो मल्टीप्लाई करोगे तुम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को. लास्ट टाइम याद है मैंने बताया भी था ये फॉर्मूला. बेटा नहीं समझ में आया? मान लो एक फ्रेगमेंट का मास है कुछ एक्स, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे ना तुम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से. पर न्यूक्लियॉन मतलब एक न्यूक्लियॉन का, तुम्हें तो पूरे के लिए चाहिए ना. क्या ये बात समझ में आई सबको? है ना. मान लो जैसे वाई की बात हो रही है, वाई के केस में अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 8.5 है, तो पूरे वाई का थोड़ी है, वो पर न्यूक्लियॉन है. एक न्यूक्लियॉन के लिए कितनी बाइंडिंग एनर्जी चाहिए? बात समझ में आ रही है? तो आपको उसके मास नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना टोटल निकालने के लिए, तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए. तो नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया क्या? Yes, sir. करूं? Do you want me to solve this? Do you want me to solve this? ओके कूल, ठीक है ठीक. इधर देखो, जिनका आंसर आ गया वो भी इधर देखें. तुमको ये पूछ रहा है टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी. अब गेन कितना होने वाला है? ऑब्वियसली जितने प्रोडक्ट्स के बनी है बाइंडिंग एनर्जी तुम्हारी प्रोडक्ट की आई है ना, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स. माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स होगी क्या बच्चा? यस यस यस, है ना. गेन इसे तो बोलेंगे, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना तो कितनी गेन हो गई बाइंडिंग एनर्जी, है ना. तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हो जाएगी. अब प्रोडक्ट का निकालो कितना हो जाएगा. प्रोडक्ट में कौन कौन है? y और z है. तो y का कितना है? 120 है क्या मास, मास नंबर. और एक yes, कितनी बाइंडिंग एनर्जी है? 8.5. इज दैट करेक्ट? Yes, sir. प्लस z के लिए भी सेम लिखोगे ना, 120 उसका मास नंबर है और z के लिए भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी है? 8.5. क्या आपको ये बात समझ में आ रही है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे? अगर आप एक न्यूक्लियॉन की निकालते हो, एक न्यूक्लियॉन की, तो 8.5 आती है. पर आपको एक के लिए थोड़ी निकालनी है. वेन यू आर टॉकिंग अबाउट y एग्जाम्पल के लिए या z, तो आपको पूरे 120 मास के y के लिए निकालनी है. तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इस एक वाले को. क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यूनिटरी मेथड. Yes, sir. किसी को डाउट है क्या इस चीज में? नहीं. No, sir. ठीक है. इसमें से माइनस करना पड़ेगा रिएक्टेंट का, यानी 240 मल्टीप्लाई बाय, बताओ 7.6 है क्या x का? Yes, sir. है ना. इसको सॉल्व कर लो. ये तुम्हारा आ जाएगा 2 इंटू 120 इंटू 8.5 माइनस 240 इंटू 7.6. 240 कॉमन आ जाएगा इसमें, 8.5 माइनस 7.6. ठीक है, कितना हो जाएगा ये 240 मल्टीप्लाई बाय 0.9. आंसर इज 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. समझ में आया या नहीं? यस सर. Yes. Option is the correct answer. Any doubts, बच्चा लोग? No sir. No. पक्का आगे चलें? Yes sir. So इस तरह के questions आते हैं नीट में, कर पाओगे? हो जाएंगे ऐसे questions? Yes sir. Yes sir. है ना, देख लो. तो जो भी exam तुमसे पूछ रहा है ना, वो सब कुछ बहुत ज्यादा high level का नहीं है. अगर आप चीजों को याद रखते हो ना, concepts को याद रखते हो, तो बहुत इजीली तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे सारे. अभी हो सकता है कि तुम फंसते हो. रीजन क्या है कि तुम बहुत तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो,
ना, बहुत सारे क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो जो मेन लड़ाई होगी ना बेटा, वो इस चीज की होगी कि आपने जो पढ़ा वो कितने अच्छे से पढ़ा। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, तुम जब भी PYQ सॉल्व करने बैठते हो, ऐसा होता होगा अधिकतर बार कि जब DPP सॉल्व कर रहे हो या टेस्ट देने जा रहे हो, तब इतना ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे जितने PYQ में फिर भी हो जाते हैं। क्या PYQ के लेवल आपको हमेशा ही ऐसा लगा क्या कि बहुत ज्यादा लेवल है PYQ का? नो सर, रिलेटिवली इजियर क्वेश्चंस होते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, DPP और क्वेश्चंस, है ना? वो इसलिए क्योंकि टेस्ट तुमसे पूछ ही नहीं रहा है उतना। तुम प्रैक्टिस इसलिए करते हो ताकि तुम प्रिपेयर हो जाओ, है ना, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए। अदरवाइज एग्जाम इज नॉट एग्जाम तुमसे पूछ नहीं रहा, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इतना सारा सिलेबस 11th और 12th का मिला के क्या तुम्हें याद रह पा रहा है, क्या तुमने समझा है अच्छे से, ये टेस्ट करना चाह रहा है तुम्हारा एग्जाम। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझे, आपको याद नहीं रहे, तो तुम सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन E=ΔMC² लगाना भी भूल सकते हो आप। क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट E=ΔMC², इस पे क्वेश्चन आ गया। ना तुम्हें ये फॉर्मूला याद है, ना तुम्हें ये याद है डेल्टा एम होता क्या है, ना तुम्हें ये याद है कि 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करना होता है, ये सब चीजें तुम भूल गए। तो क्या इजी से इजी क्वेश्चन भी कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, राइट? सो पूरा टास्क ही केवल ये है कि आपको याद रखना है, और याद रखने का एक ही तरीका है, क्लास को ढंग से अटेंड करो, घर पे जाके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस केवल इसी चीज के लिए कराई जा रही है ताकि कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले याद रह जाए। वो याद तभी रहेंगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और कोई तरीका नहीं है। तुम 4 दिन में पूरा सिलेबस पढ़ के याद नहीं रख सकते, तुम्हें इस प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज ये इजी क्वेश्चंस भी नहीं हो पाएंगे और फिर बुरा लगेगा एग्जाम में। सो डोंट मेक दैट हैपन, है ना, प्रैक्टिस करना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन करो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज हाउ मच इन जूल। यानी कि तुम्हें मास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों? मास दिया हुआ है, और तुमसे एनर्जी के टर्म्स में पूछ रहा है मास। क्या मास और एनर्जी का रिलेशन आता है हमें? क्या हमें ऐसा कोई रिलेशन पता है जिसमें हम मास और एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं? हाँ, है ना? अगर आता है, अगर याद है, तो सॉल्व करो और आंसर बताओ। डी आ रहा है क्या सबका बच्चों? यस यस सर। क्या मेरी आवाज आ रही? ओके, सॉल्व करें। यस सर। आई थिंक आई एम नॉट ऑडिबल बेटा, आवाज आ रही है किसी को बताएगा कोई? यस सर। तो हमें रिलेशन पता है बिटवीन एनर्जी एंड मास, व्हिच इज इक्वल्स टू MC² इज दैट करेक्ट? यस सर।
यस सर मास रखा है 0.5 ग्राम्स ऑब्वियसली वी नीड टू कन्वर्ट इट इन किलोग्राम्स स्टैंडर्ड थोड़ी होता है ग्राम यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट होता है क्या ग्राम नहीं नो सर तो 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम इज दैट राइट यस सर अब एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा स्पीड ऑफ लाइट से 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है क्या इसका वैल्यू इट्स प्रीटी इजी आई गेस डिफिकल्ट है क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है तो 4.5 इंटू 10 की पावर 13 जूल आ जाएगा आई गेस यस 4.5 इंटू 10 की पावर 13 जूल ए ऑप्शन आ रहा है क्या हुआ बेटा इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है क्या यस सर कैलकुलेशन मिस्टेक 16 माइनस 13 हो जाएगा ना ये हो गया 8 प्लस 8 16 16 में से माइनस 3 किया कितना बचा 13 ही तो बचा है ना एंड 0.5 इंटू 3 4.5 हो जाएगा 1.5 सॉरी 1.5 नॉट 4.5 एक 3 को 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना इसमें 3 3 जा 9 फिर 9 yes. मल्टीप्लाई करने का 0.5 से तो ये हो जाएगा 4.5 सो दैट्स हाउ ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एनी डाउट्स नो सर आगे चलें यस सर ओके सॉल्व द नेक्स्ट वन Solve the next one. एक यूरेनियम का आइसोटोप है 235 मतलब यू 235 236 ऐसे लेते हैं हम 235 की बात हो रही है उसको बॉम्बार्ड कर दिया तुमने न्यूट्रॉन से ठीक है अब बॉम्बार्ड किया तो वो क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो गया टूट गया बेसिकली फिजन हो गया उसका न्यूक्लियर फिजन याद है न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिजन पढ़ा था हमने यस सर न्यूट्रॉन इंड्यूस न्यूक्लियर फिजन पढ़ा था उसी का एग्जांपल है कि आपका न्यूट्रॉन यूरेनियम के साथ में ऐड होके क्रिप्टॉन बना रहा है अब वो साथ में जो भी बनाएगा एक और न्यूक्लियस बनाएगा ऑब्वियसली टूटा है तो है ना लेकिन 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे 3 न्यूट्रॉन तो तुमको ये बताना है कि क्रिप्टॉन के साथ में जो बनेगा वो क्या होगा है ना अब तुम्हें कंजर्वेशन वगैरह यूज करना पड़ेगा इसमें देखे कर पाते हो क्या तुम देखते हैं आप कर पाते हैं क्या वैसे तो पता है इसका आंसर तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने पढ़ाया हुआ है तुम्हें अगर आपको लास्ट लेक्चर याद है ना तो आपको आंसर एग्जैक्टली पता होगा क्या होने वाला है इसका लेकिन फिर भी आप निकाल सकते हो ट्राई टू सॉल्व इट पहले अच्छे से सॉल्व करने का ट्राई करो डोंट अज्यूम एन आंसर सॉल्व एंड देन टेल क्या आ रहा है डी ऑप्शन आ रहा है यस करें सॉल्व करेंगे बच्चों यस सर यस सर यस सर यस सर ओके ठीक है सब लोग इधर देखेंगे भाई देखो तुम्हारा जो रिएक्शन है पहले तो तुम वो नोट कर सकते हो है ना क्या रिएक्शन होगा अब ऑब्वियसली तुम्हारा फिजन हुआ है न्यूक्लियर फिजन हुआ है तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो यूरेनियम 235 यहाँ पे क्या है 92 प्लस तुमने इसको बॉम्बार्ड किससे किया है एक न्यूट्रॉन से 0 एंड 1 से तो ये क्या बनने वाला है तुम्हारा एक तो क्रिप्टॉन 89 और 36 प्लस लेट्स से हमें पता नहीं है ना अभी
तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि कुछ एक्स बना होगा, है ना, जिसका कि जेड तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और ए होगा इसका मास नंबर, प्लस 3 न्यूट्रॉन बोल रहा है क्या बच्चों ये? यस सर, 3 न्यूट्रॉन निकले ऐसा बोल रहा है। तो ये रिएक्शन लिखी थी सबने? यस सर। यू कैन राइट दिस आल्सो, ना ऐसे लिखा करो। अब देखो सबसे पहले हमें लगाना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ना कंजर्वेशन लगाना है। सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर को कंजर्व कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू भाई प्रोटॉन्स जो हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो कहीं चले जाएंगे क्या? कहीं गुम थोड़ी हो जाएंगे, बात समझ रहे हो? यस सर, है ना। yes, तो रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स और एटॉमिक नंबर जो मतलब रिएक्टेंट का होने वाला है वही तुम्हारा एटॉमिक नंबर होने वाला है प्रोडक्ट का भी टोटल जो होने वाला है, इज दैट करेक्ट? यस सर, यस सर। एटॉमिक नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो इसका कितना था रिएक्टेंट का? 92 था क्या? यस सर। इधर क्या आएगा? 92 प्लस 0, न्यूट्रॉन का तो 0 है ना, प्रोटॉन नंबर, नंबर ऑफ यस सर, यस सर, इसका एटॉमिक नंबर 0 है। इधर क्या आने वाला है? 36 प्लस जेड प्लस 0, इज दैट करेक्ट? यस सर। ठीक है, कितना हो गया? जेड की वैल्यू कितनी होगी? 56 हो गई क्या? बच्चों इसको समझ में आ रही है बात तुम्हें, या एक्सप्लेन करना है इसको? यस सर, यस सर, एक्सप्लेन करना है या समझ में आ रही है? समझ आ गया, आ गया ना। जितने प्रोटॉन्स लेफ्ट साइड में उतने ही तो होने चाहिए राइट में। अरे प्रोटॉन थोड़ी कहीं चले जाएंगे, है ना। 92 है तुम्हारा, 92 जो है वो एटॉमिक नंबर है यूरेनियम का, यानी कि 92 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसमें, बहुत ही ऑब्वियस ही बात है। तो अगर उससे फिजन होके कुछ और बन भी रहा है, मान लो दूसरे न्यूक्लियाई बन रहे हैं, दूसरा तुम्हारा जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है बेसिकली, तो 36 वाला एटॉमिक नंबर वाला मान लो कि एलिमेंट बना, है ना, उसमें डिसइंटीग्रेट हुआ, उसमें उसका फिजन हुआ, तो साथ में जो बनेगा उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एड होके क्रिप्टॉन में यूरेनियम के बराबर ही आने चाहिए, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो कुछ होता नहीं है एटॉमिक नंबर, है ना, उसमें तो प्रोटॉन्स होते ही नहीं है, एटॉमिक नंबर नहीं होता ना न्यूट्रॉन का, तो ये तो कंजर्वेशन तो रहना चाहिए ना ऑब्वियसली, प्रोटॉन थोड़ी कहीं चला जाएगा। तो बहुत ही बेसिक तरीका लगाया हमने, रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट, और उससे हमारा एटॉमिक नंबर आ गया। तो क्या ये सफिशिएंट है आंसर निकालने के लिए? नो सर। क्यों भाई, ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं आपको अलग अलग, सेम या अलग? यस सर, यस यस। क्या दिक्कत है इसमें, आंसर क्यों नहीं निकलेगा इससे? आंसर नहीं निकलेगा बच्चों, हाँ या ना बोलो जल्दी। यस सर, आंसर निकल गया ना डी ऑप्शन। अरे 56 केवल इसका ही तो है, बेरियम का ही, बाकी सब में तो 36 36 40 है। यस सर। ठीक है, फिर भी अगर कॉमन ऑप्शंस आ जाएं तो आप एटॉमिक मासेस का भी कंजर्वेशन कर लो। अगर आपके कॉमन आ जाएं ऑप्शंस जिसमें कि एटॉमिक नंबर कॉमन है ना, तो आप एटॉमिक मास का भी कर लो, बहुत इजी है, क्या दिक्कत है। 235 प्लस न्यूट्रॉन का 1 है क्या? यस सर। इक्वल्स टू 89 प्लस ए है आपके एलिमेंट का, एक्स जो है आपका बना है नया न्यूक्लियाई, है ना, प्लस 3 न्यूट्रॉन का 3 हो जाएगा क्या? यस सर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 144। यस सर, यस सर। इट कंफर्म्स कि आपका जो एक्स जेड ए है वो क्या है, बेरियम, 56 144, इज दैट करेक्ट? समझ में आया? क्वेश्चन कितने इजी आ रहे हैं ये दिखा तुम्हें? यस सर, यस सर, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, एंड ट्रस्ट मी अगर आपको थोड़ा भी याद रह गया तो आप कर पाओगे। मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि दिखने में बड़े अजीब लगते हैं, पढ़ने में भी लगते होंगे थोड़े बहुत, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजीली तुम्हें मार्क्स देके जाते हैं, है ना। सो डू नॉट मिस आउट ऑन दीज थिंग्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, मैग्नेटिज्म, इन पे इनकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बन सकते हैं, है ना। इन पे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो सॉल्व होने में लगती है मेहनत, है
प्रैक्टिस अच्छे से करिए तो हो पाते हैं सर, है ना, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं. लेकिन ये जो टॉपिक्स है जो हम बाद में पढ़ रहे हैं, इन पे जनरली, आई एम टॉकिंग जनरली, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं और इम्पोर्टेंस वाइज उतने ही हैं जितने वो हैं. ठीक है, तो बहुत ही मतलब फायदे का सौदा है, ना, कि हम इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाएं. क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस यस सर. चलो, क्या टाइम हो गया, कर लेते हैं एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन देन वील स्टार्ट आवर टॉपिक सेमीकंडक्टर्स. कर लो उसको, सॉल्व कर दो. न्यूक्लियस है यूरेनियम का जो डीके हो रहा है थोरियम और हीलियम में. यूरेनियम आपका थोरियम प्लस अल्फा पार्टिकल में टूट रहा है, समझ रहे हैं आप इस चीज को, डीके हो रहा है बेसिकली. ठीक है, तो तुमसे पूछा जा रहा है कि हीलियम न्यूक्लियस जो होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थोरियम के कंपैरिजन में ज्यादा होगी या कम होगी, ये पूछा जा रहा है तुमसे बेसिकली, है ना, या मोमेंटम की बात पूछी जा रही है कि मोमेंटम का क्या रहेगा सिनेरियो. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें क्या बताता है कि जितना थोरियम का मोमेंटम होने वाला है उतना ही हीलियम का होने वाला है ना. और रही बात काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर या फिर पी स्क्वायर अपॉन टू एम होता है क्या? यस सर. अब इसका जो मोमेंटम होने वाला है, मॉड्यूलस ले लेते हैं इसका, वो ही अल्फा पार्टिकल का भी होने वाला है, मोमेंटम सेम रहने वाला है क्योंकि इनका जो है डीके हो रहा है आपका यूरेनियम इन दोनों में. ठीक है, रेस्ट से डीके हो रहा है. तो पॉइंट ये है कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करो, अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करो तो काइनेटिक एनर्जी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के. यस सर. अगर मोमेंटम सेम हो, है ना, अगर मोमेंटम सेम हो तो काइनेटिक एनर्जी अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, तो थोरियम का मास ज्यादा होता है या फिर अल्फा पार्टिकल का? थोरियम. थोरियम है ना, हीलियम ले लेते हैं जैसे कि हीलियम की बात हो रही है यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम वुड बी मोर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम, इज दैट करेक्ट? यस सर. यस सर. मास के रेसिप्रोकल में ना उल्टा हो जाएगा, है ना, हीलियम की ज्यादा हो जाएगी. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन करेक्ट है क्या? द हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन द यस सर थोरियम न्यूक्लियस. ठीक है, समझ में आया? यस सर. यस समझ में आया. सिंस आपका हेवियर है थोरियम तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वैसे भी कम रहने वाली है ना. वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग से भी. ठीक है, आगे चले. यस सर. ओके यस सर, चालू करते हैं टॉपिक हमारा.
है ना, सेमीकंडक्टर्स। इधर ध्यान दो आप सब लोग, लेट्स बिगिन। क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? Am I audible? Yes. Okay. तो देखो, सेमीकंडक्टर कोई अलग चीज नहीं है, तुम पढ़ चुके हो, तुम्हें आइडिया भी है सेमीकंडक्टर्स होते क्या है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच की चीज है ना, बिल्कुल बेसिक अगर लैंग्वेज में समझे। कंडक्टर पता है सबको क्या होता है? Yes, sir. इंसुलेटर पता है सबको क्या होता है? Yes, yes, sir. तो सेमीकंडक्टर उसके बीच की चीज हो गई, जो थोड़ा कंडक्टर है थोड़ा इंसुलेटर है, राइट? मतलब कॉमन सेंस से भी ये समझ में आता है, और हम जब डिटेल में आप इसको पढ़ लेंगे तो उससे भी ये कंक्लूजन निकलने वाला है। तो भाई अगर हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करें इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ थर्मल कोफिशिएंट्स, तो ये तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई होते हैं। फर्स्ट आर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स की अगर बात करें तो इनका अल्फा क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। क्या होता है अल्फा इनका? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होता है अल्फा? व्हाट इज अल्फा? क्या होता है अल्फा? टेम्परेचर कोफिशिएंट। वेरी गुड, टेम्परेचर कोफिशिएंट। पढ़ा था ये या भूल गए? यस यस सर, पढ़ा था ना, ये तो करंट में ही पढ़ा था ये, तो काफी जगह पढ़ा तुमने टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये 11th में पढ़ा होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की जब हम बात करते हैं कंडक्टर्स के लिए तो वो पॉजिटिव निकल के आता है, यानी कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे कंडक्टर्स के केस में, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है क्या? यस सर, कंडक्टर्स के केस में है ना। इंसुलेटर्स के केस में अगर हम बात करें तो इसका तो अल्फा होता ही नहीं है, जीरो होता है थर्मल कोफिशिएंट या टेम्परेचर कोफिशिएंट तो है ना। और एक और कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं विच इज सेमीकंडक्टर, विच इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इसका अल्फा होता है नेगेटिव। क्या होता है इसका अल्फा? नेगेटिव। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस कम होगा, आपका रेजिस्टेंस कम होगा। नाउ ऑब्वियसली ये एक लिमिट तक होता है, इसके भी लिमिट्स होते हैं है ना, लेकिन जनरली जो हम जो देखते हैं हम है ना, ये देखते हैं कि थर्मल कोफिशिएंट या टेम्परेचर कोफिशिएंट पे ऐसे डिपेंड करता है कि अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करो तो नेगेटिव होता है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सेमीकंडक्टर को इसलिए हम यूज भी करते हैं, यूज्ड इन कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो सेमीकंडक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, सेमीकंडक्टर का यूज आजकल हम हर चीज में कर रहे हैं, हर चीज में। आप कोई भी चीज देख लो आपके आसपास, सब चीजों में इसका यूज होता है, क्योंकि ये, मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes. Am I audible? Hello? Yes. Yes, sir. तो सेमीकंडक्टर आजकल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसका यूज जो है वो हर चीज में होता है आजकल, चिप्स, छोटी से छोटी चिप्स से लेकर कोई भी चीज, कंप्यूटिंग में, कम्युनिकेशन में है ना। सोलर सेल्स का नाम आपने सुना होगा है ना, उसमें यूज होता है। हमारे जो ऑटोमोटिव्स हैं, गाड़ियां जो है हमारी, उसके सेंसर्स में यूज होता है, सब चीजों में यूज होता है। मेडिकल डिवाइसेस में यूज होता है, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं ना, जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, पेसमेकर्स का नाम आपने सुना होगा, इंसुलिन पंप्स होते हैं उनमें यूज होता है ना। इसके अलावा जो भी है, मतलब एनीथिंग दैट यू सी विच इज इलेक्ट्रॉनिक इज यूजिंग सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हर जगह, हर जगह, मतलब सेमीकंडक्टर अगर नहीं हो तो आपकी टेक्नोलॉजी तो फेल हो जाएगी, ये मान लो आप, ठीक है। और सेमीकंडक्टर पता है किसी को सबसे ज्यादा कहाँ पे मतलब मैन्युफैक्चर होता है, या कहाँ पे जो सबसे लीडर माना जाता है, सबसे ज्यादा हब माना जाता है, वो कौन सी कंट्री है सेमीकंडक्टर की? नो सर। ताइवान का नाम सुना है आप लोगों ने? ताइवान। यस सर। सो दिस कंट्री इज द लीड मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सेमीकंडक्टर ना, माइक्रो प्रोसेसर बनाती है सबसे ज्यादा,
इंटीग्रेटेड सर्किट्स, सब चिप्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी और दूसरे भी जो बनाती है, सबसे बड़ी है ताइवान, उसके बाद यूएसए, कोरिया वगैरह बनाते हैं, लेकिन ताइवान इज द लीडिंग कंपनी. तो सेमीकंडक्टर बेसिकली आज के टाइम पे इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है, मतलब इफ मेटाफोरिकली स्पीकिंग, ऑब्वियसली मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ ह्यूज थिंग. सेमीकंडक्टर जिसके पास है वो अपने आप ही ग्रो करेगा. तो ताइवान का है ना काफी कंट्रोल चाइना, चाइना के पास है. ठीक है, थोड़ा पॉलिटिकली जा रहा हूं मैं इस चीज पे, लेकिन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सब चीजों की. अब आप पढ़ रहे हो चैप्टर को तो उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए. तो जैसे कि चाइना कंट्रोल करता है ताइवान को बहुत ज्यादा, तो आपने नोटिस किया चाइना ने कितना ग्रो कर लिया है पिछले 10-20 साल 30 साल में, राइट? इंडिया के कंपैरिजन में और दूसरे इवन अमेरिका के बराबर आने लग गया चाइना, है ना, बहुत ज्यादा ग्रो कर लिया है. तो उसका एक वन ऑफ द रीजन ये भी है कि सेमीकंडक्टर्स जो बनते हैं ताइवान में उस पर कंट्रोल है चाइना का बहुत ज्यादा. तो मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है चाइना को, है ना. आप जो भी फोन यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, कितने सारे तो चाइना में उसमें मैन्युफैक्चर होते हैं, राइट? तो सबसे बड़ा चैलेंज ही इंडिया के पास पता है क्या है इस चीज का है कि वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा है सेमीकंडक्टर्स, प्रोसेसर्स, इंटीग्रेटेड चिप्स जो भी यूज होते हैं ना हमारे डिवाइसेज में, जो भी हम डिवाइसेज यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जितने भी हैं, इवन मेडिकल में भी. आप जब डॉक्टर बन जाओगे, है ना, जैसे मान लो आप डॉक्टर बन गए, अब आप ऑपरेशन कर रहे हो, तो आपको कितनी सारी चीजों का यूज करना पड़ेगा, राइट? आप मैनुअल चीजें ही से ही काम थोड़ी चला पाओगे. आज के टाइम पे तो हम मोस्टली टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ऑपरेशन के लिए भी, है ना, हर चीज में इलेक्ट्रॉनिक, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बनी हुई है. तो वो सब चीजें सेमीकंडक्टर से ही रन होती है. तो आज और मतलब आने वाले दिनों में सेमीकंडक्टर आप जो पढ़ने वाले हो उसमें आप समझोगे कि वो वर्क कैसे करता है ना. तो इट इज इंटरेस्टिंग इफ यू सी इट इन दैट वे. ठीक है, कंटिन्यू करें. यस सर, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता इन सब चीजों में, तुम्हें एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ना है बस ये. Is that so? ऐसा तो नहीं है? No, sir. थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो आता ही होगा. हाँ अंशिका, गलती से हो गया लगता है. चलो कोई ना, चलो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे. तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं ये तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया हमें कि भाई फ्लो ऑफ चार्जेस जो हो रहे हैं, है ना, उसको कंट्रोल करने में यूज करे जा रहे हैं सेमीकंडक्टर. अब कैसे करे जा रहे हैं या वर्क कैसे करते हैं, कैसे डिफरेंट होते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स से, है ना, केवल टेम्परेचर कोफिशिएंट का ही है सीन या फिर कुछ और भी बातें हैं, वो सब हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनर्जी बैंड्स. तो एनर्जी बैंड क्या होते हैं बेटा? एनर्जी बैंड ओवरलैप्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं. तो आपने एनर्जी लेवल्स के बारे में सुना है सबने, कैसे अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, याद करो हमने मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ा था. यस सर. ठीक है, यस सर. अगर आप एनर्जी बैंड को समझो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हम बात करते थे पहले किसके लिए बात करते थे हम पहले एक एटम के लिए, है ना, जैसे कि एटम्स के लिए बात करते थे, इसको हम यहां लिखते हैं, इधर लेते हैं. ठीक है, हाँ, तो हम पहले एटम्स के लिए जब बात करते थे तो याद करो हम शेल्स की बात करते थे, है ना, वैलेंस शेल क्या होता है और अलग अलग एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं. जैसे कि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो, 1s 2s 2p 3s पढ़ा है. Yes. है ना, अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, शेल्स होते हैं. तो जैसे कि ऊपर वाला जो होता है उसको वैलेंस शेल भी बोला जाता है. Yes, sir. Yes, sir. हायर एनर्जी लेवल वाला, है ना. तो ये ऐसे ही सेम अगर आप सॉलिड्स की बात करो ना बेटा, ये तो गई एटम्स की बात. अगर हम सॉलिड्स की बात करें जिसमें मल्टीपल एटम्स हैं, दोनों में डिफरेंस बनवा रहा है, एक हम एटॉमिक लेवल पे देख रहे हैं, एक हम सॉलिड के लेवल पे जाके देख रहे हैं जिसमें कि बहुत सारे एटम्स हैं, राइट? तो इसको अगर हम समझें तो इसमें भी अगर हम सिमिलैरिटी ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा होगा कि इसमें एनर्जी लेवल्स के गैप्स होंगे, है ना, मतलब एरियाज होंगे बेसिकली. ठीक है, तो जैसे कि ये 1s हो गया,
इसके ऊपर 2s हो गया है ना, ये हो गया आपका 2p, 3s हो गया। तो ये किससे मिलके बने हुए हैं बेसिकली, इनको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड्स। क्या होंगे ये? एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड्स, ठीक है। इसमें ये हो गया जैसे कि आपका 1s का लोअर एनर्जी, E1s है ना, यानी कि लोअर एनर्जी लेवल। और ये ऊपर वाला जो बैंड का ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये क्या हो गया बेटा? हायर एनर्जी लेवल। 1s का हायर एनर्जी लेवल है ना, हायर एनर्जी लेवल हो गया। तो दो अलग अलग एनर्जी लेवल से बैंड बन रहे हैं आपके। क्या ये बात समझ में आ रही है ना, एक रेंज की बात हो रही है। वहां पे हम लेवल्स की बात करते थे, यहाँ पे रेंज की बात हो रही है ना, बस यही डिफरेंस है आपका, ठीक है। तो जो अगर आप बात करो वैलेंस शेल की, जैसे कि ऊपर वाला हायर लेवल एनर्जी लेवल वैलेंस शेल होता था, ऐसे इसका ऊपर वाला जहां पे इलेक्ट्रॉन्स अबंडेंस में है, उसको हम बोलेंगे वैलेंस बैंड। क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड। और वो बैंड्स जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली अवेलेबल है ना, कंडक्शन हो सकता है, जहां पे फ्लो हो सकते हैं, उनको कंडक्शन बैंड बोल देंगे। एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड कौन सा हो जाएगा बच्चों? कंडक्शन बैंड कौन सा हो जाएगा? वैलेंस बैंड से आगे वाला बैंड जहां पे इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्रीली अवेलेबल है। क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स? फ्रीली अवेलेबल है, फ्लो हो सकते हैं, है ना। तो अगर हम एनर्जी गैप्स की ही बात कर रहे हैं, एनर्जी लेवल्स की ही बात कर रहे हैं, तो हमारे वो एनर्जी लेवल्स जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली अवेलेबल है, यानी कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक जा सकते हैं, या एक एटम से दूसरे एटम तक जा सकते हैं, है ना, और कंडक्शन कर सकते हैं, उस बैंड को हम बोलते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, है ना। जहां पे इलेक्ट्रॉन्स कम है, लोवेस्टली कम से कम ऑक्यूपाइड है ना, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और वैलेंस बैंड कौन सा हो गया? आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी एटम में जैसे आउटर मोस्ट शेल होती थी ना, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल याद है सबको? तो वैसे ही वैलेंस बैंड भी होता है, जिसमें कि हायर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्शन बैंड से ज्यादा होते हैं, कंडक्शन बैंड से ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन फ्री नहीं होते, यानी कि कंडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। वैलेंस बैंड से अगर इलेक्ट्रॉन कैसे भी करके कंडक्शन बैंड में चले जाए, तो फिर वो फ्री हो जाता है और फिर वो कंडक्शन कर सकता है, ठीक है, उसके थ्रू कंडक्शन हो सकता है बेसिकली, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसे भी समझे, एनर्जी लेवल्स के थ्रू हम समझे इसको, तो आपको यहाँ पे मैं डायग्राम बना के बताता हूँ कैसा दिखेगा। ये तो हो जाएगा आपका वैलेंस बैंड, और यहां ऊपर है लेट से आपका कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, ठीक है। और मतलब अगर आप ये बना रहे हो ग्राफ, तो ये हो गया एनर्जी लेवल में, एनर्जी लेवल्स की बात हो रही है। अगर आप वाई एक्सिस पे आप इसको रख रहे हो, एनर्जी लेवल आप ले लेते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ले लेट से, ठीक। और इसके बीच में जो गैप है, उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन बैंड बोलते हैं। ये जो गैप होता है बच्चों बीच का, आगे ये टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स, आगे जब मैं यूज करूंगा तो आपको पता होनी चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो गैप है वैलेंस और कंडक्शन के बीच में, इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन बैंड, फॉरबिडन बैंड। तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन, वैलेंस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक अगर आपका इलेक्ट्रॉन चला गया, तो आपका इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है और कंडक्शन पॉसिबल हो पाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? है ना, बैंड बन कैसे रहे, वो बात समझ में आई? एक एनर्जी लेवल से दूसरा एनर्जी लेवल ओवरलैप कर रहा है। क्या कर रहा है? ओवरलैप। ओवरलैप कर रहा है। अगर इसका डायग्राम बना के हम समझें, लेट से मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड डायग्राम,
तो आपका जैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते हैं बच्चों? फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? यू इक्वल्स टू माइनस के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन, बोलो, आर। अरे याद आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी कैसे रिलेट करते थे हम रेडियस के साथ में, है ना? यस अगर इसका हम ग्राफ बनाना चाहें पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा रेडियस के साथ में। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, है ना? अब आप किधर भी तरह से देख लो इसको, इधर से देख रहे हो आप या उधर से देख रहे हो, उस पर डिपेंड करता है ये, है ना? ये वाली जो पोजीशन होती है बेटा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोजीशन। न्यूक्लियर पोजीशन यानी न्यूक्लियस की पोजीशन। न्यूक्लियस की पोजीशन समझते हो? जैसे तुम एटम की बात करो तो न्यूक्लियस सेंटर में होता है ना, और उसके अराउंड आप शेल्स को देखते हो, एनर्जी लेवल्स को देखते हो, तो ये जो रेडियस आप लेते हो ये न्यूक्लियस से लेते हो ना? अरे हाँ या ना बोलो यस बेटा, आवाज आ रही है? इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत पढ़ाई में? हाँ ना तो बोलो। आप यस जो डिस्टेंस देखते हो वो सेंटर से देखते हो, मान लो तुम्हारा स्फेरिकल है एटम, तो सेंटर से ही देखोगे ना कितनी दूरी पे है कोई भी एनर्जी लेवल या कोई भी इलेक्ट्रॉन, है ना? तो सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है क्या? यस सर हाँ, तो जहां आपके पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जा रही है उसको हम न्यूक्लियर पोजीशन मान रहे हैं, कि न्यूक्लियर पोजीशन है ये, है ना? इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन कितना दूर है न्यूक्लियस से उस पर कैसे डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना? माइनस के इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी कम होती रहेगी, राइट? जैसे चेंज होती रहती है यस ना, तो उस चीज का ग्राफ हमने बना रखा है। तो हम आपको कैसे समझा रहे हैं ये, कि ये आपके एनर्जी लेवल्स बन गए जैसे कि, है ना? तो लेट से कि आपका एनर्जी लेवल है यहाँ पे, यहाँ पे कहीं ये न्यूक्लियस हो गया, इसके आगे हमने शेल्स बनाते थे, याद आ रहा है? 1s, 2s, 2p, 3p, अरे याद आ रहा है ना? न्यूक्लियस के बाद में से बनता था 1s, फिर एक और शेल बना, उसको हम 2s बोल देते थे, फिर 3s, 3p, ऐसे बनता था। क्या याद आ रहा है या नहीं आ रहा है बिल्कुल? यस क्या बोल रहे हो बेटा, कुछ बोल रहे हो क्या? मतलब आपने कुछ बोला मुझे सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर से रिपीट करोगे? याद आ रहा है याद आ रहा है ना? हाँ, तो इसी तरह से हम न्यूक्लियर पोजीशन से आगे जाते जा रहे हैं और हम देखते जा रहे हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी वैरी कैसे हो रही है, एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, क्योंकि ये एनर्जी बैंड ही तो है, ये सब एनर्जी बैंड ही तो है जो हम पढ़ रहे हैं, एनर्जी लेवल ही तो है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अगर हम ध्यान से देखें, तो अगर हम यहाँ से इधर से भी हम बनाना चाहें, तो लेट से कि यहाँ पे आपकी 1s आ रही है ना, यहाँ पे आपकी 2s आ रही है, या आपकी 3p आ रही है, 3s, 2s, 2p, ऐसे आ रही है, ठीक है? तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन के लिए बनाओगे या एक एटम के लिए बनाओगे, तो आपका मान लो एक ग्राफ बना। अब अगर मैं बहुत सारे एटम का बनाऊं, अगर मैं बहुत सारे सॉलिड की बात करूं, ये तो मैंने एक एटम का बना दिया, लेट से दिस इज फॉर वन एटम। अगर मैं बहुत सारे एटम्स का बनाऊं तो ये ओवरलैप हो सकता है, एक पॉइंट के बाद ओवरलैप हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ओवरलैप कर गया, देखो यहाँ पे और यहाँ पे, पहले यहाँ पे तो ओवरलैप नहीं कर रहा था ये, लेकिन इस पॉइंट पे आके ओवरलैप करना चालू करा यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? पोटेंशियल एनर्जीज, एनर्जीज ओवरलैप कर जाएंगी ना, एनर्जी लेवल्स ओवरलैप कर जाएंगी, नहीं समझ में आई बात? जैसे कि ऐसे देखो, मैंने तुम्हारा एक न्यूक्लियस, तुम्हारा एक एटम ऐसे रख दिया, ये मैंने बनाया 1s, ये मैंने बनाया 2s, है ना? इसके बाद आपका पी वाला बनता है, वो कुछ ऐसा बनता है क्या, यस है ना? अब इसके बगल में एक और एटम है, इसके बगल में एक और एटम है, उसका भी कुछ न्यूक्लियस है, उसके भी कुछ एनर्जी लेवल्स हैं, 1s, 2s, है ना? और 2p तक मान लो ओवरलैप नहीं किया, 2p तक मान लो ओवरलैप नहीं करा उसने, लेकिन अगर हम अगला वाला एनर्जी लेवल बना देते हैं बच्चों,
अगला वाला एनर्जी लेवल बना देते हैं एक और, लेट से, और उसने अगर ओवरलैप कर लिया, ओवरलैप मतलब समझ में आ रहा है, ओवरलैप मतलब समझ में आ रहा है, इस वाला एटम और इस वाले एटम का एनर्जी शेल, ये जो शेल है या जो एनर्जी लेवल है वो ओवरलैप कर चुके हैं, क्या आपको ये ओवरलैपिंग दिख रही है बीच वाली? है ना, इस ओवरलैपिंग की बात कर रहा हूं मैं। तो जब हम सॉलिड्स की बात करेंगे तो एनर्जी लेवल ओवरलैप हो सकते हैं क्या? एनर्जी लेवल कनेक्ट हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं बिल्कुल। अरे यार तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि एक कोई भी सॉलिड है तो उसमें जो एटम्स होते हैं वो बिल्कुल दूर दूर होते हैं, ऐसा तो नहीं लगता आप लोगों को कि एक एटम है, एक एटम है उसकी जो भी एनर्जी लेवल्स हैं जब तक वो खत्म नहीं हो जाते दूसरा एटम चालू ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर एक एटम है और उसके बगल में एक और एटम है तो उनके एनर्जी लेवल्स जो है वो ओवरलैप कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सॉलिड किस तरह का सॉलिड है, एनर्जी लेवल्स ओवरलैप करते ही है इनफैक्ट, ठीक है। तो उन एनर्जी लेवल के ओवरलैपिंग को ही हम बैंड्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बच्चों? बैंड बोल रहे हैं कि वो ओवरलैपिंग से जो एरिया बन रहा है, जो एरिया बन रहा है उस एरिया को क्या बोल रहे हैं? एनर्जी बैंड्स। क्या आप समझ में आया सबको एनर्जी बैंड क्या होते हैं? यस सर। ठीक है, उनकी बात हो रही है, अब आगे चलते हैं। द एनर्जी बैंड फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी नहीं, वैलेंस आएगा यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज वैलेंसी एनर्जी बैंड या वैलेंस एनर्जी बैंड। ठीक है, वैलेंस, वैलेंस बैंड या वैलेंस शेल जो आता था आपका, है ना, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो सबसे बाहर वाले होते थे क्या? यस सर। यस सर। अगर एक एटम का वैलेंस शेल दूसरे वैलेंस शेल से ओवरलैप कर जाए तो क्या वो एक बैंड बना देगा, एरिया बना देगा? यस सर। उस एरिया को बोल रहे हैं, उस एनर्जी एरिया को हम बोल रहे हैं एनर्जी बैंड, कौन सा? वैलेंस एनर्जी बैंड। ठीक है, अब एक एटम में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जो लूजली बाउंड होंगे, वैलेंस वैलेंस के भी बाद जो होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के भी जो बाद में आएंगे, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन समझते हो, जो कि कंडक्शन पॉसिबल कराते हैं, जो फ्रीली फ्री होते हैं, जो है ना, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जिनकी वजह से करंट भी बन रहा था, याद आ रहा है? यस सर। है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन्स या वो एनर्जी लेवल्स अगर ओवरलैप कर जाए तो उनकी वजह से जो बैंड बनेगा उसको हम बोलेंगे कंडक्शन एनर्जी बैंड। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल्स के जो ओवरलैपिंग से इनकी बात हो रही है, इनको हम बैंड्स बोलते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, वैलेंस हो गया, कंडक्शन हो गया। एक फॉरबिडन बैंड जो मैंने आपको पढ़ाया वो क्या होता है कि वैलेंस से कंडक्शन तक जाने के लिए जो डिस्टेंस है, जो एरिया है, वो फॉरबिडन बैंड में आता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन ने पार कर लिया तो वो भी कंडक्शन करा सकता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सॉलिड में तभी हो सकती है जब इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन एनर्जी बैंड में चले जाए, अगर वो वैलेंस में रहेगा तो वो फ्री नहीं है, है ना, तो वो कंडक्शन नहीं पॉसिबल करा सकता। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। कूल कूल कूल, चलो भैया आगे चलते हैं। तो यहाँ पे यही सब डिस्कस करना था हमें। अच्छा, इसमें एक लेवल होता है फर्मी लेवल, वो समझ लो। जैसे कि आप अगर बात करो आपके एनर्जी लेवल्स का, तो मान लो आपने ये बनाया आपका बैंड बना ली, जैसे कि आपने ये बना लिए बैंड, ठीक है, ठीक है। अब मान लो ये अपर मोस्ट जो बैंड था आपका, इसमें यहां तक तो आपका इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड थे, आपके यहां तक तो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे ना, फिल्ड थे, इसके ऊपर नहीं थे, इसके ऊपर नहीं थे, तो ये वाला आपका पार्ट हो जाएगा वैलेंस बैंड। अब आउटर मोस्ट है ना भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना यहाँ पे, वैलेंस शेल होंगे ये, yes, है ना, और ये वाला जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कंडक्शन बैंड, वैलेंस के ऊपर जो आता है, yes, यानी कि ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस वाले में, ये अगर कैसे ना कैसे कंडक्शन में पहुंच जाए तो आपका इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है, कंडक्शन में कंट्रीब्यूट कर सकता है ना, कंडक्शन हो सकता है उसका,
ठीक है। तो ये जो लेवल होगा, ये जो लेवल होगा जहां तक आपके बैंड फिल्ड है, ठीक है, अपर मोस्ट एनर्जी लेवल, ये वाला जो लेवल है, ये वाला, ठीक है, ये वाला लेवल, इसको हम बोलते हैं बच्चों फर्मी लेवल। क्या बोलते हैं इसको? फर्मी लेवल। इसकी डेफिनेशन लिखिएगा आप, इट इज द अपर मोस्ट एनर्जी लेवल अपर मोस्ट एनर्जी लेवल अप टू विच अप टू विच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन सॉलिड। ठीक है, फर्मी लेवल क्या होता है? अपर मोस्ट लेवल, सबसे ऊपर वाला लेवल जहां तक आपके इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है, यानी कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन फील्ड नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, नोट किया ये? यस सर। सॉलिड्स की बात हो रही है, सॉलिड्स की, यानी कि मल्टीपल एटम्स हैं इसमें। ठीक है, हाँ भाई आगे चला जाए। यस सर। ओके, तो टाइप्स ऑफ सॉलिड मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप पढ़ते हैं। तो कंडक्टर्स में तो क्या होता है बेटा, कंडक्टर्स में आपके जो फॉरबिडन एनर्जी लेवल होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड्स। ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी लेवल गैप इज जीरो और आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड वो कर जाता है ओवरलैप। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड कर जाता है ओवरलैप। तो अगर आप समझो ध्यान से, इन केस सॉलिड सब्सटेंसेस में फॉरबिडन एनर्जी गैप जीरो हो जाए अगर, तो उनको हम बोलेंगे कंडक्टर्स या मेटल्स। और अगर ऐसा नहीं होता है, गैप होता है बीच में अच्छा खासा एक पर्टिकुलर अमाउंट का, है ना, ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आपके हो जाते हैं इंसुलेटर्स या नॉन मेटल्स। क्या हो जाते हैं? इंसुलेटर्स या नॉन मेटल्स। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. इसको अभी मैं समझाऊंगा भी सही। और इन दोनों के बीच की जो कड़ी होती है उनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स, है ना। यानी कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आपका कम रहा फॉरबिडन एनर्जी लेवल, फॉरबिडन बैंड का जो एनर्जी है ना, फॉरबिडन बैंड समझ में आया सबको, कंडक्शन और वैलेंस के बीच की बात हो रही है ना, 5 या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 5 या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी बुक, कोई बुक में 5 होगा किसी में 6 होगा, ठीक है, इससे अगर कम हुआ तो आपका सेमीकंडक्टर वाली रेंज में वो फॉल कर जाएगा। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा यहां से, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। बैंड स्ट्रक्चर्स इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ठीक है, तो उसको नोट डाउन करना है यहां से। इन एनी सॉलिड इफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड इट बिहेव्स एज, ये सॉलिड कैसे बिहेव करेगा? मेटल की तरह। कैसे बिहेव करेगा बच्चों? मेटल की तरह, है ना, मेटल बोलेंगे इसे, बल्कि जिसके कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हो कंडक्शन बैंड में हो। सेम तरीके से स्टेटमेंट को रिपीट करते हुए, इफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड और कंडक्शन बैंड कंडक्शन
कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, एम्प्टी हो अगर, है ना, तो उसको क्या बोलेगा, कैसे बिहेव करेगा, नॉन मेटल की तरह, नॉन मेटल की तरह। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये आपके एनर्जी लेवल्स हो गए, ठीक है। यहां तक फील्ड है इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां तक फील्ड है तो मुझे बताओ ये वाला जो लेवल है इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? अरे बोलो बेटा, फर्मी लेवल हो जाएगा क्या ये? यस, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां तक फील्ड है, अब इसमें कुछ पार्ट जो है फॉरबिडन वाला, ये यहां तक ही होना चाहिए था वैलेंस तुम्हारा कायदे से तो, लेकिन ये ऊपर तक है तो ये ओवरलैप कर गया तुम्हारा, ठीक है, ये ओवरलैप कर गया यहां से यहां तक, ठीक है। ये पूरा वैलेंस था बेटा, ये पूरा वैलेंस बैंड था आपका, ठीक है, और ये पूरा कंडक्शन बैंड था यहां से यहां तक, ये पूरा कंडक्शन बैंड था ऊपर से नीचे तक। क्या आप देख सकते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर गया है? क्या आपको ये दिख रहा है? यस सर, यस सर, ये ओवरलैपिंग दिख रही है सब लोगों को, ये वाली, यस सर, है ना, ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। यानी कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बैंड या इन दिस जोन विल बिहेव एज फ्री इलेक्ट्रॉन। कैसे बिहेव करेंगे इस वाले जोन में सारे इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह, है ना, एंड कैन मूव एनीवेयर इन लैटिस। जो आपका सॉलिड का लैटिस है ना, ये इसमें कहीं भी मूव कर सकते हैं ये। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर, यस सर। क्या लगता है ये किसके लिए हुआ, ये किसका हुआ ये बैंड स्ट्रक्चर? दिस इज द बैंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। मेटल, वेरी गुड। किसका हुआ ये? मेटल का, ठीक है। अगर हम नॉन मेटल के लिए बनाना चाहें, वैसे तो आप खुद बना सकते हो, पर अगर आप, मैं नॉन मेटल के लिए बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा बेटा? ये देखना इधर, ये मेरा आया ऊपर वाला एनर्जी लेवल, फिर आया बीच वाला एनर्जी लेवल, फिर मेरा ये जो लास्ट में जहां ओवरलैप करा था लास्ट टाइम, और ये लोअर एनर्जी लेवल। तो अगर मेरा वैलेंस बैंड यहां तक ही है, फर्मी लेवल मेरा नीचे तक ही, ये कौन सा बैंड हुआ नीचे वाला? वैलेंस बैंड हुआ क्या? वैलेंस। और ये ऊपर वाला कौन सा रहा? कंडक्शन बैंड। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? ठीक है, इस बार, इस बार फॉर दिस टाइम मेरा गैप आ गया है किसके बीच में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड के बीच। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, फॉरबिडन, फॉरबिडन बैंड, बैंड, या फिर इसको मैं एक और नाम दे सकता हूं, फर्मी, फर्मी एनर्जी गैप। क्योंकि ये वाला जो लेवल है मेरा, ये हुआ ना फर्मी लेवल, तो यस सर, इसको डेल्टा ईजी से भी रिप्रेजेंट करते हैं,
फर्मी एनर्जी गैप को डेल्टा ईजी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर डेल्टा ईजी आपका, डेल्टा ईजी आपका ग्रेटर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 6 ही ले रहे थे ना हम यहाँ पे, हाँ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इक्वल है या बड़ा है, तो ये किसके लिए हो जाता है बेटा? नॉन मेटल के लिए। किसके लिए हो जाएगा ये स्ट्रक्चर? नॉन मेटल्स, है ना। डेल्टा ईजी के ऊपर डिपेंड करेगा ये आपका बेसिकली, ठीक है। समझ में आया क्या ये स्ट्रक्चर डायग्राम? यस सर, यस। ठीक है, अब अगला वाला हम ऑब्वियसली किसके लिए बनाने वाले हैं? गेस करो। किसके लिए बनाएंगे अगला? सेमीकंडक्टर्स। भाई कंडक्टर के लिए बना लिया, इंसुलेटर के लिए बना लिया, नॉन मेटल के लिए, अब सेमीकंडक्टर बचाना। यस सर। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, अगर हम फर्मी एनर्जी गैप के टर्म्स में बात कर रहे हैं, अगर हम फर्मी एनर्जी गैप के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो ये तो होगा आपका वैलेंस बैंड, ये हो जाएगा ऊपर वाला यस सर कंडक्शन बैंड, और ये जो तुम्हारा फर्मी एनर्जी गैप है ना, डेल्टा ईजी जो है आपका, ये हो गया फर्मी लेवल, और डेल्टा ईजी जो है इस बार आप बता सकते हो कि कितना होने वाला है इसमें? कितना होने वाला है? ये होने वाला है लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नॉट 6 बट लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक स्पेसिफिक नंबर देखा गया बच्चों, और जब हमने नोट किया तो हमें पता चला कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड है ना, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कंडक्शन बैंड इज स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है डेल्टा ईजी आपका, तो किसकी तरह बिहेव करेगा? सेमीकंडक्टर की तरह, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशंस हुई अकॉर्डिंग टू द एनर्जी गैप, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैन एक्साइट एंड मूव टू कंडक्शन बैंड, एक्साइट होके कंडक्शन बैंड में जा सकता है। अगर एनर्जी गैप कम हुआ ना, देखो ना बेटा डेल्टा ईजी अगर कम है तो एनर्जी गैप कम है वैलेंस और कंडक्शन के बीच में, इज दैट राइट? यस सर। तो एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन, अगर तुमने एनर्जी प्रोवाइड कर दी इलेक्ट्रॉन को, तो एक्साइट होके कंडक्शन बैंड में जा सकता है, इज दैट राइट? यस सर, है ना। हेंस सेमीकंडक्टर्स आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एट रूम टेम्परेचर। इनको इतना इतना टेम्परेचर चाहिए ही नहीं, रूम टेम्परेचर पे भी जो गैप है वो फिल कर जाते, इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं और वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं वो, कंडक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चा? कंडक्ट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है, और तो याद करो सेमीकंडक्टर केस में हमने क्या पढ़ा था, अल्फा क्या होता है इसका? नेगेटिव। टेम्परेचर विल इंक्रीज, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विल डिक्रीज, है ना, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि कितनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, अगर ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्शन बैंड में तो कंडक्शन ज्यादा होगा क्या बेटा? Yes, sir. Yes, sir. इसमें याद करो हम क्या बोल रहे थे कि रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो कंडक्शन बढ़ रहा है क्या? Yes, sir. मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स में ये होता है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो। क्या यहाँ तक समझ में आया सब कुछ? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ठीक है, now there are few points which are put in a table just to memorize and read things. तो इसको रीड कर लेना, ये आपका कंपैरिजन है बेसिकली।
कंडक्टर्स इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स में आप ऑलरेडी सब पढ़ चुके हो, बट यू कैन हैव अ रीड, है ना, ताकि कुछ इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस आए तो आप पढ़ पाओ, ये भी आप रीड कर लेना, ये हो जाएगा ना बेटा। कुछ चीजें मैं इसलिए नोट्स में डालता हूँ ताकि आप जब पढ़ो तैयारी करो एग्जाम की तो आप थोड़ा नोट्स पढ़ के चले जाओ, क्योंकि हो सकता है कभी कभी इन्फॉर्मेटिव, जैसे मैंने आपको बताया थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं ये लास्ट के, तो इन पे कभी कभी इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो चीजें आ सकती हैं उनको एक बार पढ़ लो, ठीक है, हो जाएंगी वो क्वेश्चंस के थ्रू याद, ठीक है, हो जाएगा? Yes, sir. हाँ ना बोलो भाई, हो जाएगा? Yes, sir. तो एक क्वेश्चन है ये करा देते हैं आपको, इसमें बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर्स निकालना है आपको, मैं करा देता हूँ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन 2480 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन इट, बैंड गैप बताना है आपको सेमीकंडक्टर का। अब क्वेश्चन पढ़ के वैसे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं नहीं, और बैंड गैप कैसे निकालते हैं ये भी नहीं पता, पर अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लो इसमें आप, तो इसमें बेसिकली आपको पूछ तो वो एनर्जी ही रहा है, क्या पूछ रहा है? एनर्जी, एनर्जी पूछ रहा है ना, डेल्टा ईजी पूछ रहा है, ठीक है, और एनर्जी होती क्या है, एच सी अपॉन लैम्डा होती है क्या? यस सर, है ना, सो यू कैन फाइंड आउट इजीली, करोगे सॉल्व करोगे क्या, या मैं ही करूं? एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा होती है, राइट। अब तुम्हें इसमें एच की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है? यस सर, अरे पता है ना, 6.6 × 10⁻³⁴ × 3×10⁸, है ना। अब तुम्हें ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना सेमीकंडक्टर के केस में, अगर आप कंडक्टिविटी बढ़ाते हो उसकी, तो जो रेडिएशंस निकलेगी उसकी वेवलेंथ 2480 से कम होनी चाहिए, 2480, तो तुम निकाल लो कितनी एनर्जी गैप हो सकता है 2480 मैक्सिमम के लिए, तो तुमने ले लिया 2480 वेवलेंथ का। अब नैनोमीटर में दिया हुआ है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, बोलो? 10⁻⁹, वेरी गुड। एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 × 10⁻¹⁹ से भी करते हैं क्या? यस सर, यस। सो हियर वी गो, द राइट आंसर इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट दिस आंसर। सो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकता है, बट अगर आप ध्यान से समझो तो काफी इजी क्वेश्चंस है, है ना, और कुछ ज्यादा कुछ अलग चीजें यूज नहीं हो रही है, बस जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप अगर समझ गए हो तो आप कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व। चलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेमीकंडक्टर कंटिन्यू करेंगे हम, इसमें इसके टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे, देन पीएन जंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। आपका होमवर्क यही है कि आप न्यूक्लियर कंप्लीट करके आए, ठीक है, होमवर्क कंप्लीट करें इसके। ओके, बाय बाय बच्चों, बाय सर।